जयेंद्र सौंद मातरम अभी दो या तीन दिन पहले की ही बात है इस प्रकार की खबरें आई थी कि जी स्टूडियोज़ जो है वो भारत में फवाद खान की मूवी जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़ी हिट रही है द लेजेंड ऑफ मौलाना जट की जो मूवी है वो जो मूवी है उसको रिलीज़ करने वाले हैं इस मूवी ने दुनिया भर में पाकिस्तान में बनाई गई किसी भी मूवी से ज़्यादा कमाई करी है इस मूवी ने एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भारत की भी किसी भी मूवी से ज़्यादा कमाई करी है हालाँकि वो 1200-1300 करोड़ रुपए नहीं कमाए इस मूवी ने कमाए ढाई सौ करोड़ ही हैं तीन सौ का भी पता नहीं ढाई सौ करोड़ शायद कमाए हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी इस मूवी ने ब्रिटेन में भारतीय मूवी से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है ऐसा हम लोग कह सकते हैं लेकिन ये मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई इसके भाई व्यापक कारण भी हैं क्योंकि भारत में पाकिस्तानी सिनेमा को पाकिस्तानी आर्टिस्ट को किसी भी चीज़ जो कि पाकिस्तानी है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है कारण जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता जो है बदत हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकी गतिविधियों के कारण जो कि पाकिस्तान की तरफ से बदस्तूर चलाई जाती रहती हैं वहीं कहीं का कारण बनी है कि आज की डेट में पाकिस्तानी कलाकार जो है वो भारत में आकर पैसा कमा नहीं पा रहे ऐसे में एक तबके की व्यापक मांग उठी थी या यूं कहें तबका तो नहीं कहना चाहिए कुछ स्टूडियोज के दिन में ये बात आई थी कि भाई जब ये मूवी दुनिया भर में इतना कमा रही है तो भारत में भी तो ये मूवी कमाएगी और ऑब्वियसली बात है भारत में भी कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं जो कि फवाद खान की इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल थिएटरों के दरवाजे तोड़ेंगे लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि एक देश के तौर पर आप किसी देश का बहिष्कार कर रहे हो तो आपको फिर उस चीज़ का बहिष्कार करना ही चाहिए इन रिस्पेक्टिव कि आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं देखने वाले लोग तो दुबई में जाकर भी ये मूवी देख के आए हैं ऐसा सुनने में आया था लेकिन अब जबकि इस मूवी का भारत में रिलीज़ किए जाने की बात चल रही है तो पहले सबसे पहले यही बात आई थी कि भाई करण जौहर इस मूवी को रिलीज़ कर सकते हैं लेकिन उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि नहीं भैया माना ही फवाद खान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन हम इस मूवी को रिलीज़ नहीं करेंगे इसके बाद जी ने इसका पूरा ज़िम्मा उठाया है लेकिन जब जिम्मा उठाने की बात सामने आई थी तभी इस बात की सुबह भी तेज हो गई थी कि भारत में ये मूवी बिना किसी कलेश के तो रिलीज होने से रही और अब कलेश शुरू भी हो गया है एम के राज ठाकरे ने सामने आकर सीधे तौर पर कह दिया है कि सभी देशद्रोही जिनको कि फवाद खान की इस मूवी को देखना है वो पाकिस्तान जाकर यह मूवी देख सकते हैं तेरह अक्टूबर 2022 को पाकिस्तानी मूवी द लेजेंड ऑफ माला जट सरहद पार थिएटर्स में रिलीज हुई इसमें फवाद खान और माहिरा खान सहित तमाम सितारों ने दमदार एक्टिंग करी फिल्म को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विदेश में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी बनाए इसकी जमकर कमाई हुई दुनिया भर में लूटने के बाद अब इसे भारत में भी रिलीज करने की तैयारियां चल रही हैं लेकिन इससे पहले ही अब बवाल खड़ा हो गया है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक भी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मतलब कि मनसे के एक नेता ने धमकी दी ऐसे में अब द लेजेंड ऑफ मालाजट की इंडिया में रिलीज अटकती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमेय खोपकर ने शुक्रवार 10 सितंबर को धमकी दी कि उनकी पार्टी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की पाकिस्तान फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाना जट को भारत में रिलीज होने नहीं देंगे सीधी सी बात है ये मूवी होनी भी नहीं चाहिए अनूप खोपकर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाना जट को भारत में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है ये सबसे अधिक गुस्सा दिलाने वाली बात है कि एक भारतीय कंपनी इस प्लान को लीड कर रही राज साहब के आदेश के बाद हम इस फिल्म को भारत में कहीं भी रिलीज होने नहीं देंगे अमय खोपकर खुद भी फिल्म मेकर हैं उन्होंने अपने ट्वीट में फवाद खान के फैंस को देशद्रोही कहा उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा फवाद खान के फैंस देशद्रोही पाकिस्तान जाकर फिल्म बिल्कुल देख सकते हैं और वहीं पर जाकर इनको फिल्म देखनी चाहिए बिलाल लाशरी के डायरेक्शन में बनी द लेजेंड ऑफ मॉलाज पाकिस्तान की फिल्म इतिहास की सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म है इसे इंडिया में तेईस दिसंबर दो को रिलीज किए जाने की प्लानिंग है जिस दिन रणवीर सिंह की सर्कस मूवी रिलीज होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक द लेजेंड ऑफ मॉलाजट ने दो करोड़ रुपये से ज़्यादा कमा ली है तो ऐसे में इस मूवी को भारत में भी पैसे कमाने का मौका दिया जाना है वहीं बात करें फवाद खान की तो 2014 में सोनू कपूर के साथ वो खूबसूरत में नज़र आ चुके हैं इसके अलावा वो आलिया भट्ट के साथ कपूर एंड सन्स में भी नज़र आए थे और उनकी आखिरी हिंदी फिल्म ए दिल मुश्किल रही थी जो कि साल 2016 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से भारत पाकिस्तान के संबंधों में जिस प्रकार से खटास आई थी चाहे उरी का हमला हो या बालाकोट का और उसी के बाद से जो खटास थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर दिया गया अब बैन यहाँ पर कोई ऑफिशियल बैन नहीं है ये एक मौखिक बैन है या यू कहें अनऑफिशियल बैन है जो क्योंकि दर्शक जो हैं अब इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी कलाकार भारत से कमा कर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर कहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं कोई नहीं जानता ऐसे में जब एक कलाकार बात करता है तो वो यही कहता है कि भाई कला की तो कोई सीमा नहीं होती ये सब बातें मानी जाती हैं लेकिन कई सारे पाकिस्तानी कलाकार ऐसे भी हैं जो कि एयरपोर्ट पर कई सारी अनऑफिशियल चीज़ों के साथ भी धरे गए चाहे वो पैसा हो या फिर ड्रग्स हो तो ऐसे में जब ये लोग भारत आते हैं और भारत से पैसा कमाने की बातें करते हैं तो वहाँ पर भी काले धन के जिक्र होता ही कई सारे ऑडियोज़ भी पास्ट में ऐसे वायरल हो चुके हैं जिनमें कि काले धन मतलब कि कैश में पेमेंट की बातें की जाती थी तो ऐसे में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों को सपोर्ट करने के अलावा वहाँ की मूवीज़ को सपोर्ट करना भी एक जैसा ही माना जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर क्या कहना है कि आप लोगों को लगता है कि द लजेंड ऑफ मौलाज को भारत में रिलीज़ किया जाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं जाएँ जय भारत